हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन चटनी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कैसे बनता है हमारा ये सोयाबीन चटनी। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हमने लिया है ये सोयाबीन, हम इसे गर्म पानी में 2 मिनट ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है प्याज, लहसुन, अदरक, ये मिर्ची हमने यहाँ पर लिया है, ये देखिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने गैस को जला लिया है, अब हम यहाँ पर कढ़ाई बैठा रहे हैं, देखिए। यहाँ पर हमने मिर्ची ऐड किया है इसे थोड़ी देर पकाने के लिए। अब यहाँ पर हम प्याज भी ऐड करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट ऐसे ही पका लेंगे। लहसुन आपको तेल नहीं देना है, ऐसे ही थोड़े टाइम पकाना है, देखिए। ये देखिए हम इसे पका रहे हैं। यहाँ पर हमने अदरक डाला है, देखिए। अब यहाँ पर हमने तेल ऐड किया है इसको पूरी तरह थोड़ा टाइम पकाने के बाद, ये देखिए तेल हमने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, 2 मिनट हम इसको भी ऐसे पका लेंगे। इसी तरह आपको पकाना है। अब इसको हमने पका के एक बर्तन में रख लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई में फिर से तेल लिया है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे सोयाबीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऐड किया है सोयाबीन, आपको भी इसी तरह ऐड करना है। आपको 5 मिनट इसे पका लेना है ऐसे। यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है 1 चम्मच। अब यहाँ पर हम जीरा ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। अब इसको हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको पकने देंगे।
ये देखिए पक चुका है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है, अब देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर हम मिक्सी में इसको रखेंगे सोयाबीन को, ये देखिए हम मिक्सी में इसको रख रहे हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। यहाँ पर हमने नमक ऐड किया है, अब इसको हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज, इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा सोयाबीन चटनी एकदम तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।